स्टैंड अप की स्क्रिप्ट लिखने की दिशा में एक बात ये जान लें कि लोग प्रतिदिन इसके स्क्रिप्ट नहीं लिखते, बल्कि वो लगातार अपने काम को आखिरी सीमा तक डालते रहते हैं। इसका उपाय प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड ने दिया है, जिसे साइनफील्ड तकनीक कहा जाता है। जेरी साइनफील्ड दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक हैं। वे बताते हैं कि एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखने का मतलब होता है प्रतिदिन लिखना, अपने दिन भर के तनाव और चिंताओं को अपनी रोजाना लिखने की आदत के आगे मत आने दीजिए। रोज अपने आप से एक ही सवाल कीजिए कि क्या आज मैंने कुछ लिखा या नहीं। यहाँ लिखने का मतलब केवल कॉपी और पेन लेकर बैठना नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को लिखकर एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करना होता है। इसके लिए आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है, आपके फोन में नोट्स ऐप या फिर गूगल ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स तो होंगे ही, जिनकी मदद से आप बोलकर भी टाइप कर सकते हैं। इसके बजाय आप चाहें तो सीधे सीधे अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक ओपन माइक भी बुक कर सकते हैं, जहां आप 3 से 5 मिनट के लिए लाइव परफॉर्म करेंगे। आपको बहुत सारे हाई लेवल कॉमेडी क्लब मिलेंगे, जहां बड़े बड़े स्टार परफॉर्म करते हैं। ऐसे स्टेज पर होना प्रिविलेज की बात है। कई जाने पहचाने कॉमेडियन ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। एक नए कॉमेडियन के लिए ऐसी जगह पर परफॉर्म करने के बारे में सोचना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए शुरू में जब तक आप पूरी तरह प्रोफेशनल कॉमेडियन ना बन जाएं, तब तक छोटे कॉमेडी क्लब का इस्तेमाल कीजिए। सार्वजनिक अपमान वो तरीका है जो आपको टालते रहने की आदत से मुक्ति दिलाएगा, और यही आपकी यात्रा का पहला कदम साबित होगा। एड्रिनेलिन हार्मोन माइक के लिए साइन अप कीजिए, या आप किसी शादी में परफॉर्म भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी लोकल टैलेंट शो में भी भाग ले सकते हैं। अपने कैलेंडर पर आप उस तारीख पर निशान लगा लीजिए जब आप ऐसी कोई परफॉर्मेंस देने वाले हों। उस परफॉर्मेंस में होने वाली बेइज्जती का जो डर आपके मन में बैठेगा, वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप अपने स्टैंड अप की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हों और आपने बहुत ज्यादा तैयारी ना की हो, तो आप किसी बार में ओपन माइक कॉमेडी क्लब से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी बार के ओपन माइक में भाग लीजिए। कई बार ऐसे होते हैं जहां खाली समय में ओपन माइक रखे जाते हैं, जिससे उनका बिजनेस खाली समय में भी चलता रहे। आप यदि चाहें तो किसी कॉमेडी क्लब में या कहीं किसी थीम शो में भी भाग ले सकते हैं। बड़े शहरों के कॉमेडी क्लब सप्ताह में एक दिन थीम शोज रखते हैं, जहां अलग अलग व्यवसाय के लोग कॉमेडी करने के लिए आते हैं। इनमें अकाउंटेंट, कैब ड्राइवर और स्कूल टीचर भी शामिल होते हैं। अगर आप एक फुल टाइम कॉमेडियन नहीं हैं, तो ऐसे थीम शो की तलाश कर सकते हैं। कई बार ऐसे शोज में स्टोरी टेलिंग इवेंट भी होते हैं, जहां कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, मगर जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाएंगे, आप इस स्थिति में भी पहुंच जाएंगे कि आप ये तय कर सकें कि कौन सा शो आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसके अलावा शुरुआत में किसी चर्च या मंदिर को भी चुना जा सकता है। कई धार्मिक जगहों पर वहां आने वाले लोगों के लिए कॉमेडी शोज रखे जाते हैं। ऐसी जगहों के हिसाब से अगर आपके पास मटेरियल है जो किसी की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ ना हो, तो आपको वहां पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने अगर केवल 20 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार की हो, जिसके लिए आपको अभ्यास करना है, तो आप कॉमेडी क्लब्स, कैफे आदि में होने वाले बुक्ड शोज में जाइए। आप वहां शो के होस्ट से निवेदन कीजिए कि वो आपको ओपनिंग सेट कराने का या फिर शो में कुछ मिनट परफॉर्म करने का मौका दें। मगर इसके लिए आपको शो करवाने वालों के साथ विनम्र बने रहना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो किसी चैरिटी इवेंट में भी भाग ले सकते हैं। कई कॉमेडियन ऐसे शोज में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो चैरिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको आपके शहर में होने वाली कॉमेडी प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि लोग भी आपके बारे में जानने लगते हैं। इसी तरह यदि आपने पूरे 1 घंटे की जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार की हो, तो अभ्यास करने के लिए आप एक रूम बुक कीजिए। इस तरह की कई जगहें हो सकती हैं में जानने लगते हैं। इसी तरह यदि आपने पूरे 1 घंटे की जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार की हो, तो अभ्यास करने के लिए आप एक रूम बुक कीजिए। इस तरह की कई जगहें हो सकती हैं, जैसे कॉमेडी क्लब, थिएटर, मल्टीपर्पज रूम, होटल कॉन्फ्रेंस रूम आदि, लेकिन ये केवल आप तभी करेंगे जब आपको सुनने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी हो। क्योंकि यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि वहाँ सुनने वालों को बुलाने की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, और किसी के ना आने पर होने वाला नुकसान भी आप ही का होगा। बड़े कॉरपोरेशन में कई मौकों पर कॉमेडियंस बुलाए जाते हैं, फिर चाहे वो सेल्स मीटिंग हो, एनुअल रिट्रीट हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो।
ऐसे बड़े कॉरपोरेशन कॉमेडियंस को पैसा भी अच्छा खासा देते हैं, मगर आमतौर पर ऐसी जगहों पर लोग राजनीतिक और एडल्ट कॉमेडी से परहेज करते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे कॉरपोरेट शोज के लिए भी जा सकते हैं और फिर अपने खुद के शोज भी बना सकते हैं। अपने शो के लिए दर्शकों को बुलाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अपना शो होने का मतलब है कि आपके पास काम करने के लिए हमेशा एक जगह है। कॉमेडियन बाकी दुनिया के मुकाबले कुछ हटकर सोचते हैं। जिन बातों में दूसरे लोग समस्याएं देखते हैं, वहां एक कॉमेडियन को पंच लाइन दिखती है। कॉमेडियन का अपना एक नजरिया होता है जिससे वो जिंदगी को देखता है, जैसे एक बिखरा हुआ परिवार हो या हाथ की टूटी हड्डी। एक कॉमेडियन के लिए इसमें पोटेंशियल मटेरियल होता है, मगर इस मटेरियल को स्टेज पर परफॉर्म करने की राह के बीच का रोड़ा होता है कॉमेडियन के मन का डर। हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने स्टेज के डर को आसानी से दूर कर सकते हैं। स्टेज के डर से मुक्ति पाने का पहला तरीका स्वयं डर ही है। उदाहरण के लिए, जैसे आप पहली बार स्कूबा डाइव करने के लिए जाएं और आपको पानी के अंदर डर लगे, तब आप अपनी सुरक्षा की पक्का 3 बार जांच करेंगे। इस तरह आप अपने डर से भी नजरें मिलाएं। स्टेज का डर ही आपके स्टेज के डर को मिटाएगा। इसी डर की वजह से आप और ज्यादा समय लेकर रिविजन करेंगे और अपने मटेरियल को और ज्यादा ठीक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आत्मविश्वास की कमी भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो कॉमिक्स सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरी होती है वो ज्यादा फनी नहीं होती। इसलिए आत्मविश्वास की कमी से घबराएं मत। आप केवल अपने अंदर के डर का अनुभव कीजिए और उससे होने वाले रोमांच का आनंद लीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे आप बार बार उसी अनुभव से गुजरना चाहेंगे। परफॉर्मेंस के लिए मन में जो डर, तनाव, चिंता और पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए आपको एक कॉमेडी बड़ी यानी एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो आप ही की तरह कॉमेडी करता हो। कॉमेडी बड़ी वो होता है जो आपको फनी समझे, आपकी सुने, आपको सलाह दे और जिसके साथ आप सहज महसूस करें। आपको भी एक ऐसा ही दोस्त चुनना है, उसका स्टैंड अप देखना है और फिर उसका मटेरियल ऑनलाइन फॉलो करना है। ध्यान रहे कि वो आपके कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट बनाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल आपका कॉमेडी बड़ी अगर आपसे अलग कंटेंट बनाता हो तो ये अधिक फायदे वाली बात होती है। इसलिए आप ऐसे दोस्त के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए, उसके एक्ट को सुनिए, उससे नोट्स लीजिए और उसे साथ ही जरूरत पड़ने पर सलाह भी दीजिए। यही काम आप उसके साथ भी दोहराएं। जब भी आप कहीं परफॉर्म करें तो अपने बड़ी को कहिए कि वो आपको परफॉर्म करते देखे या सुने और आपको फीडबैक दे। जाते जाते ये चेतावनी भी याद रखिए कि किसी और का मटेरियल कहीं भी इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि जब आप किसी और का लिखा कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो दर्शकों में से किसी ने वो पहले भी सुन रखा हो। ऐसे में शो खराब होने के साथ साथ इज्जत का भी नुकसान होता है।